मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ पर्टिकुलर गुड्स टेक्स प्लेस, एंड सिमिलरली स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक टेक्स प्लेस। यदि इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझे कि कोई एक कंपनी है, लेट अस से एक्स वाई जेड कंपनी लिमिटेड, तो इस कंपनी को प्राइवेट कंपनी में से अभी एक पब्लिकली हेल्ड कंपनी होना है क्योंकि उन्हें अपने लिए फंड की ज़रूरत है। तो वैसे केस में वो क्या करेंगे कि वो आईपीओ लेके आएंगे या तो फिर मार्केट के अंदर एक इश्यू लेके आएंगे जिसे काफ़ी इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म के लिए या तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए कुछ पैसा बनाना चाहते हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, और वो जब मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा तो उसी स्टॉक के अंदर, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था एक्स वाई जेड कंपनी लिमिटेड, तो उस स्टॉक के अंदर बाइंग एंड सेलिंग दोनों ही होने लगेगा। उसे हम कहते हैं स्टॉक मार्केट, जहाँ पे पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदा या बेचा जाता है। स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना बहुत ही सिंपल है। पहले ये हुआ करता था कि इन्वेस्टिंग इनटू स्टॉक मार्केट वाज अ डिफिकल्ट टास्क। आपको मंडी के अंदर जाना पड़ता था, रिंग के अंदर खड़े रह के आपके ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ते थे, पर अब मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक इतना इजी हो गया है ट्रेडिंग करना या इन्वेस्ट करना कि आप अपने मोबाइल की या तो फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक बार क्लिक करते ही आप स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप ब्रोकर के साथ, किसी भी ब्रोकर या सब ब्रोकर के साथ अपने आप को रजिस्टर करें जिसके द्वारा आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या एनएस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसे बड़े एक्सचेंजेस के साथ आप अपने ऑर्डर्स को प्लेस कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्रोकर या सब ब्रोकर के साथ रजिस्टर करवाना होगा, और उसके बाद आप या तो अपने ब्रोकर को डायरेक्ट कॉल करके या तो फिर आपके मोबाइल की या कंप्यूटर की स्क्रीन पर डायरेक्ट लॉग इन करके अपने यूनिक क्लाइंट कोड और पासवर्ड के साथ आप लॉगिन कर सकते हो, और आप बहुत ही इजीली हर एक स्टॉक को एक्सेस कर सकते हो और उसके अंदर ट्रेड कर सकते हो।